हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमने कोड 510 से यानी 510 यानी 510 से लिया है। चलिए देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सिलेक्टेड एमसीक्यू है जो सभी यूनिट से मिक्स करके लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ओके, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। आज विकासशील देश तीन मुख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि और डैश किस चीज का कर रहे हैं। दो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि, सॉरी एक दिया जनसंख्या वृद्धि, डैश और डैश दो और कौन सी समस्या है, तो वो है प्रदूषण और गरीबी। इन तीन समस्याओं का सामना कर रहे हैं विकासशील देश, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पुरातन भारतीय धर्म ग्रंथ वेद लगभग कितने वर्ष पूर्व लिखे गए। आपको बताना है कि जो पुरातन भारतीय धर्म ग्रंथ वेद है वो कितने वर्ष पूर्व लिखे गए, 5000, 6000, 7000, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 7000, ओके, 7000 वर्ष पूर्व जो है जो धर्म ग्रंथ वेद है वो लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स ले लेते हैं, भारतीय प्राचीन काल के दो युग हैं, कौन से युग है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो बिल्कुल सही है, भारतीय प्राचीन काल के दो युग हैं, वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक है, वेद के संबंध में कौन सा कथन ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि वेद के संबंध में कौन सा कथन ठीक है। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, या फिर प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं। ऋग्वेद में प्रकाश की गति की गणना एक मंडल, 50 सूक्त और 4 मंत्र के रूप में की गई है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ओके। यानी कि वेद के संबंध में जो कथन है ये चारों बिल्कुल सही है। सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के आपके लिए लेके आए हैं 510 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, कल्पसूत्र में विभिन्न रीतियों का वर्णन है, गृह सूत्र घरेलू व्यक्तियों के वैदिक कर्तव्य निभाने की बात करता है, धर्म सूत्र नैतिक और चारित्रिक नियमावली के बारे में बताता है, या सरोता सूत्र बीज गणित गणनाओं से संबंधित है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, चलिए मैं बता देती हूँ। घा जो है राइट आंसर होगा, सरोता सूत्र जो है बीज गणित गणनाओं संबंधित है, ये जो है सही नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सरोता सूत्र जो है, हाँ, सरोता सूत्र बीज गणित गणनाओं संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका वैदिक शक्तियों से संबंधित है। ठीक है ना, वैदिक शक्तियों से संबंधित है सरोता सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अत्रि धन्वंतरी और कश्यप विद्यालय किस शिक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। अत्रि धन्वंतरी और कश्यप जो विद्यालय है किस शिक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं, चिकित्सा, गणितीय, घरेलू या प्रायोगिक। तो देखिए अत्रि धन्वंतरी जो कश्यप विद्यालय है वो चिकित्सा के लिए स्थापित किए गए, राइट आंसर चिकित्सा हो जाएगा। किस विद्वान ने अनंत श्रेणी में पाई का अनुमानित मान जो है 3.14159265359 दिया है। किस विद्वान ने अनंत श्रेणी में पाई का जो अनुमानित मान होता है ये, और पाई का देखिए जो एक मान होता है वो 22/7 होता है, और यदि इसको आप सॉल्व करें तो 3.14 आता है। तो दो में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7 है, 3.14 लिखिए वो भी सही है, जनरली इतने डिजिट को लिया जाता है। पाइथागोरस ने, माधव ने, याज्ञवल्क्य ने या कपिला ने, तो राइट आंसर होगा माधव ने दिया है किसका, पाई का अनुमानित मान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आयुर्वेद के पिता हैं, आयुर्वेद के पिता कौन कहलाते हैं, सुश्रुत, चरक, कनाड या आर्यभट्ट। आयुर्वेद के पिता, देखिए आयुर्वेद के पिता जो है वो चरक कहलाते हैं। ठीक है ना, चरक क्या कहलाते हैं, आयुर्वेद के पिता, यानी चिकित्सक के, चिकित्सा के जो पिता हैं। आयुर्वेद जो है वो क्या है, चिकित्सा ही तो है एक, तो उसके पिता जो है वो चरक कहलाते हैं। किस विद्वान ने रसायन प्रयोगशाला स्थापित की, आपको बताना है रसायन प्रयोगशाला किस विद्वान ने स्थापित की है, पतंजलि ने, ब्रह्मगुप्त ने, नागार्जुन ने, भास्कराचार्य ने। रसायन प्रयोगशाला, तो राइट आंसर हो जाएगा गा, नागार्जुन ने स्थापित की है रसायन प्रयोगशाला। सिद्धांत शिरोमणि व कर्ण कौतूहल किसकी रचना है, आपको बताना है सिद्धांत शिरोमणि व जो कर्ण कौतूहल रचनाएं हैं किसकी है, पातंजल की, भास्कराचार्य की, ब्रह्मगुप्त की या चरक की। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भास्कराचार्य की, किसकी है, भास्कराचार्य की है सिद्धांत शिरोमणि कर्ण कौतूहल पुस्तक रचनाएं। पश्चिम दार्शनिक व प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने किस विधि की नींव रखी, जो पश्चिमी दार्शनिक है वह प्राकृतिक वैज्ञानिक है, इन लोगों ने किस विधि की नींव रखी थी, विज्ञान की, योग की, गणित की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा विज्ञान की, ठीक है ना, जो पश्चिमी दार्शनिक और प्राकृतिक वैज्ञानिक, उन्होंने विज्ञान विधि की नींव रखी थी।
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? पाइथागोरस, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस या आर्किमिडीज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो पिता हैं वो है हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को क्या माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता। ठीक है, और जो पुरातन काल के, प्राचीन काल के वो चरक है, याद रखिएगा इस चीज को, आधुनिक और प्राचीन में। मध्यकालीन युग का समय माना जाता है, जो मध्यकालीन युग है उसका क्या समय माना जाता है? 800 ईसा से 1500, 700 से 1200, 800 ईसा से 1000 ईसा पूर्व या 900 ईसा से 1500 ईसा। अब यहाँ पे आपको बताना है मध्यकालीन युग का समय। राइट आंसर क्या होगा मैं बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो होगा का 800 ईसा से 1500 ईसा जो होता है वो मध्यकालीन युग का समय माना जाता है। दूरबीन की खोज किसने की थी? दूरबीन की खोज किसने की थी आपको बताना है? निकोलस कॉपरनिकस ने, गैलीलियो गैलीली ने, अरस्तु ने या हार्वे ने? तो देखिए दूरबीन की जो खोज है वो किसने की थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपने सर्च कर लिया होगा दूरबीन की खोज, तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। इसमें देखिए राइट आंसर जो पीडीएफ में है ये निकोलस कॉपरनिकस को दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है आंसर, इसको याद रखिएगा। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? दूरबीन की थी। जर्मनी के किस विद्वान ने 1571 ईस्वी में ग्रहों की गति संबंधी नियमों की खोज की थी? यानी कि 1571 ईस्वी में ग्रहों की गति संबंधी नियमों की खोज किस विद्वान ने की थी? तो विलियम हार्वे, जोहानसन, केपलर, कॉपरनिकस या अरस्तु। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने खोजे थे? तो ग्रहों के गति संबंधी जो नियम है वो केपलर ने, यानी जोहानस केपलर ने खोजे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी सकता है, पूछ सकता है कि जर्मनी के किस विद्वान ने, यहाँ पे क्वेश्चन अभी ये है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जोहानस केपलर ने 1571 में किसकी खोज की थी? तो वो ग्रहों की गति संबंधी नियमों की खोज की थी। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अब आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जेम्स वाट ने, जोसेफ प्रिस्टले ने या कैवेंडिश ने? ऑक्सीजन की खोज, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीकाकरण की नींव किसने रखी थी? टीकाकरण की नींव किसने रखी थी? जेम्स वाट, एडवर्ड जिमेन सॉरी जेनर, माइकल फेराडे, हेनरी कैवेंडिश? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? टीकाकरण की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। 1961 में किसके अध्यक्षता में योजना आयोग, योजना बनाने वालों और वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनी थी? सॉरी 1961 में किसके अध्यक्षता में योजना बनाने वालों व वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डी एस कोठारी। 1961 की बात चल रही है किसके अध्यक्षता में, तो देखिए 1961 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने एक जो है कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे 1961 में योजना बनाने वालों वैज्ञानिकों के लिए। शिमला हिल्स में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण पर अविरल भारतीय सेमिनार कब हुआ था? शिमला हिल्स में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण पर जो भारतीय सेमिनार हुआ था वो कब हुआ था? 1850, 1852, 1954, 1956। तो राइट आंसर होगा 1956 में। ठीक है ना, कब? 1956 में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण पर शिमला हिल्स में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। विज्ञान में सार्वजनिक परीक्षाएं कब आरंभ हुई? विज्ञान में सार्वजनिक परीक्षाएं कब आरंभ हुई? 1852, 1850, 1860, 1855। विज्ञान में सार्वजनिक परीक्षाएं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1852। 1852 में विज्ञान में सार्वजनिक परीक्षाएं आरंभ की गई थी। वैज्ञानिक बहस के मुख्य घटक कौन से हैं? आपको बताना है वैज्ञानिक बहस के मुख्य घटक कौन से हैं? विचार, परिकल्पना, विचार से उपजा स्पष्टीकरण, अनुमान, भविष्यवाणी या अनुमानों से मेल खाता वास्तविक अवलोकन यानी प्रमाण, उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक बहस से संबंधित देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये घटक, तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विचार और परिकल्पना इसमें चलती ही है, घटक है। फिर विचार से जो स्पष्टीकरण है, अनुमान और भविष्यवाणी भी लगाई जाती है, और उसके बाद जो अनुमान लगाया जाता है उसी से मेल खाता वास्तविक अवलोकन यानी प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रूफ जो बोलते हैं वो निकाला जाता है। तो विज्ञान बहस के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? विज्ञान उत्तेजक है, विज्ञान उपयोगी है, विज्ञान एक सामुदायिक उद्यम है या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी विज्ञान उत्तेजक भी होता है, उपयोगी भी है, सामुदायिक उद्यम भी है, इसलिए उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि अब आपके लिए सिर्फ हम लेके आएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।